रूस व युक्रेन या दोन देशात भयंकर स्वरूपात युद्ध होत आहे, त्यामुळे युक्रेनमधील सर्वसामान्य माणूस हवालदिल झालेला असून युक्रेन देशात शिक्षणासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांची सध्या फारच दैनावस्था असल्याचे तेव्हा समजले जेव्हा शिक्षक कॉलनी मनसर येथील 20 वर्षीय कन्या कुमारी लक्ष्मी श्रीनिवास पेनगुंडा हिचा प्रत्यक्ष अनुभव ऐकला. लक्ष्मी ही युक्रेनवरून सुखरूप परत आली असून तिने आपले अनुभव सांगितले. रूस आणि युक्रेन या दोन्ही देशांच्या झुंजीत अनेक भारतीय विद्यार्थी देखील युक्रेनमध्ये अडकले आहेत. तर लक्ष्मी श्रीनिवास पेनगुंडा ही मुलगी वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी मागील 2 वर्षापूर्वी युक्रेनला गेलेली होती. लक्ष्मी ही अभ्यासात मुळातच हुशार असल्याने अत्यंत प्रामाणिकपणे आपले वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करीत होती. परंतु काळाचा घात असा की रूस आणि युक्रेन या दोन देशात अचानकपणे युद्ध छेडलं गेलं आणि निष्पाप विद्यार्थी व सर्वसामान्य नागरिक यांना आपला जीव मुठीत धरून लपावं लागलं. त्यात मनसर येथील कुमारी लक्ष्मी श्रीनिवास पेनगुंडा ही 20 वर्षीय तरुणी कशीबशी आपल्या स्वगृही परतली. ती सुखरूप घरी परतल्याचे कळताच मनसर येथील सरपंच साव योगेश्वरी हेमराज चोखांद्रे, रामटेक येथील नायब तहसीलदार श्री SD पाटील, महसूल सहाय्यक श्रीमती छाया बुद्धो, IT असिस्टंट श्री प्रमोद ठवरे यांनी तिच्या मनसर येथील घरी जाऊन भेट दिली व तिची सांत्वना करून तिचे पुष्पगुच्छ देऊन गौरविण्यात आले. तिथे तिने असतानाची व्हिडिओ क्लिप दाखवत काही अविस्मरणीय क्षण मुलाखती दरम्यान शेअर केले. मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली हम सारे स्टूडेंट्स यूक्रेन से दाखिल होकर इंडिया वापस आ गए हैं. आई एम रियली हैप्पी. आप वहाँ पे कब से गए थे और क्या करने गए थे? मैं वहाँ पे 2020 को गई थी. एक बार 2020 में गई थी मेडिसिन करने एंड अभी मैं सेकेंड ईयर मेडिसिन स्टूडेंट हूँ. यूक्रेन में क्या परिस्थिति है अभी फिलहाल? अभी तो वहाँ पे वॉर सिचुएशन है. आज 29th डे है यूक्रेन वॉर का, यूक्रेन एंड रशिया वॉर का, एंड अभी भी वही सिचुएशन है. बॉम्बार्डिंग कंटिन्यूसली हो रही है, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं. सिचुएशन सेम नहीं है, कुछ काम डाउन हुआ नहीं. आपको कैसे पता चला? एक्चुअली हमें पता इस तरह चला था, 24th मॉर्निंग को जब हम सो रहे थे 4 o'clock, तो बॉम्बार्डिंग फर्स्ट हुई थी जो कि मेरे प्लेस से 8 घंटे की दूरी में है, खारकीव में, और मैं कैपिटल कीव में हूँ. तो हम लोग जब सो रहे थे तो बम्बारिंग हुई एंड मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कॉल किया कि लक्ष्मी खारकीव में बम्बारिंग हुई है एंड ऑल दैट. आगे की सिचुएशन क्या है, क्या करना है? एंड उस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था बिकॉज घर से कंटिन्यूस कॉल आ रहे थे. नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट थी इंडिया के लिए जो कि कैंसिल हो चुकी थी बिकॉज यूक्रेन का पूरा एयर स्पेस बंद हो चुका था. तो उस टाइम हमें तो कुछ समझाने के लिए क्या करना है. द ओनली थिंग हमें ये पता था जो कि हमें इंडियन एम्बेसी ने बताए थे कि जहाँ आपको आप वहीं पे रहो, जहाँ छुपे हो आप वहीं पे रहो. तो हम बंकर्स में, शेल्टर्स में, जैसे जो जगह मिल रही थी छुपने के लिए हम वहीं पे छुपे थे. और आपको फिर खाने का वगैरह ये कैसे मैनेज हुआ? मैनेज का बात ये था कि हमारे पास ग्रॉसरी का शॉर्टेज बहुत ज़्यादा था बिकॉज मैं 25th को आ रही थी तो मेरे पास ग्रॉसरी बिल्कुल नहीं थी. बस एक दिन में मैं वापस आने वाली थी एंड बॉम्बार्डिंग वहाँ पे शुरू हो गई थी तो शॉर्टेज की वजह से बहुत दिक्कत आई. सुपरमार्केट में कुछ ग्रॉसरी था नहीं, था तो उसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था एंड हम लोगों को बाहर जाने नहीं दिया जा रहा था ग्रॉसरी खरीदने. तो शॉर्टेज की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई बिकॉज हमारे पास पानी, खाना कुछ नहीं था. जो भी था इट्स लाइक ब्रेड था, चॉकलेट्स थे, जूस रखा था थोड़ा, तो उसी में हम जब तक बंकर्स में थे हम वही खाना खा. बंकर्स में कितने दिन रहे? मैं बंकर्स में 5 डेज रही थी. 24th मॉर्निंग को हुआ था तो हम लोग मॉर्निंग बंकर्स में शिफ्ट हो गए थे तो मैं 28th मॉर्निंग तक मैं वहीं पे थी जब तक कर्फ्यू ओपन नहीं हुआ. और बंकर्स में कितने लोग थे? बंकर्स में इंडियंस 200 से 300 इंडियंस थे. फिर बाकी नेशनैलिटीज़ जो थे नाइजेरियन, जो सारे स्टूडेंट्स थे वो लोग भी थे वहाँ पर. और अभी वहाँ पर स्थिति अच्छी हो जाएंगी तो आप जाना चाहेंगे? एक्चुअली इसका मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है बिकॉज अभी हमें यूनिवर्सिटी से यही अपडेट आई है कि ये जो पूरा सेमेस्टर होगा सितंबर तक वो ऑनलाइन ही चलेगा. तो 24 फरवरी की जो न्यूज देखा टीवी चैनल के माध्यम से, तो देख के बहुत घबरा गए. सिचुएशन बहुत संभल नहीं पा रहा था. बच्चे आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, धीरे धीरे कैसे भी कंट्रोल करके बच्चे से बात कर पा रहे हैं. थोड़े से आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, उसी गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट कैसे भी करके बच्चे को घर तक पहुँचा दिया. धन्यवाद मोदी जी. किसी की कॉल ही अटेंड नहीं कर पा रही, जवाब ही नहीं दे पा रहे, क्या कर सकते, क्या बोल सकते, क्योंकि भी 25 की फ्लाइट है जी. अब बाय रोड बंद हो गए, बाहर आने के बच्चों को कोई सजेशन ही नहीं जी.
मोदी जी ने बोले कैसे भी इंडिया की फ्लैग से ले, इंडिया की झंडा लेके कैसे भी आप कैसे भी रिक्स उठा के कि उसे बाहर आओ। फिर बाहर आने के बाद वो बॉर्डर से उनको रोमानिया पहुंचा दिया, रोमानिया से उन्हें अच्छा देखभाल करके दिल्ली तक पहुंचा दिया। दिल्ली से भी उन्हें गवर्नमेंट ने बोला आपको नागपुर भी फ्लाइट करके देता हूँ, लेकिन मेरा बेटा गया, उन्हें दोनों ने करके अपना खुद की फ्लाइट करके नागपुर आ गई। अभी तो वो सिचुएशन तो अभी सोचने की बाहर हो गई जी, लेकिन क्या है जी बच्चे की ज़िंदगी क्या है, अब देखते हैं। अगर यदि सिचुएशन अगर यदि कंट्रोल पे आ गए, चाहे भाई यूक्रेन भेजेंगे नहीं तो कोई उनने अगर ट्रांसफर दिया कोई बाहर कंट्री का, नहीं तो इंडिया गवर्नमेंट का भी कुछ प्लानिंग चल रहा है। ये जो 22,500 बच्चे अभी टीवी में आ रहे हैं, पेपर में आ रहे हैं, वो हो सकता है कुछ इंडिया गवर्नमेंट सपोर्ट करे इधर ही, अगर बच्चे इनको आगे पढ़ाई किया जो आगे गवर्नमेंट की ऊपर उम्मीद रख के चल रहे। कुछ नहीं कहना, मेरे लड़के मेरे घर में आने बस नहीं थे, ना खाने में ध्यान है ना किसी में ध्यान, बता ही नहीं सकते उस दिन के रोज क्या बताएंगे गए। हमको पता है जब मेरी लड़की इंडिया में पैर रखी वो बहुत बड़ी बात है। ऐसे गए कि जान है कि नहीं, मैं ऐसे में जान है, ये नहीं नाइट में खाना खा रहे ना दिन में खाना खा, इनको समझाते समझाते पूरे दिन चला जाता था। मैं कितने बार बोली कि इनको टीवी बंद करो, पर ये टीवी के बाहर बोलो तो 5 दिन तो कहीं गए नहीं हो बाहर टीवी के सामने। वो कॉल भी ज़्यादा नहीं कर पाता जी, कॉल इसलिए नहीं कर पाते वो सिचुएशन के हिसाब से, उनकी मोबाइल में चार्जिंग की प्रॉब्लम था, सब कुछ था, कुछ तो इंटीमेशन मिल रहा है और वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से भी वो थोड़ा सा उनके नेटवर्क तो मिल रहा है, बच्चे से बात हो पा रहा, अगर बात नहीं हो पाता तो और ज़्यादा दुख होता है। इतने बात होने से थोड़ा सा क्या है। रामटेक वरुण सुषमा मर्जीवे यांची रिपोर्ट। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।